हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा यूएस विजिट किया जाना है, जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस डील्स होने वाली हैं, जिसमें से जो मुख्य डिफेंस डील है ये इंजन को लेकर है, जो कि मल्टी बिलियन डॉलर्स की होने वाली है, जिसके अंतर्गत जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन को इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाएगा कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग TOT के साथ। साथ ही साथ एक रिपोर्ट ये भी आ रही है कि जो MQ-9 ड्रोन्स की डील पेंडिंग थी, ये भी साइन हो सकती है। TV9 द्वारा ये रिपोर्ट किया गया है कि करीबन 18 ड्रोन्स की जो डील है, ये इंडिया और US के बीच में साइन हो सकती है, और डील अमाउंट यहाँ पर $3 बिलियन की बताई गई है, जो कि एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो डेफिनेटली ये ड्रोन्स एक्सपेंसिव हैं, पर इतने भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। पिछली बार जब रिपोर्ट्स आई थी, तो वहाँ पर भी $3 बिलियन की डील को साइन किया जाना था इन ड्रोन्स को लेकर, लेकिन उस समय बात चल रही थी 30 ड्रोन के, जिसके अंतर्गत पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पर $100 मिलियन पड़ रहा था। और ये डील एक्चुअली अभी की नहीं है, 2017 से लेकर इस मामले में बातचीत चल रही है, और पास्ट में भी कई बार ऐसा कहा गया कि ये डील साइन होने वाली है, लेकिन अल्टीमेटली चीज़ों को बाद के लिए छोड़ दिया गया, और बाद में ये रिपोर्ट आई कि अब इस डील को 30 से कम करके 18 कर दिया गया है, जिसके पीछे बड़ा रीज़न कॉस्ट बताया गया। तो अगर $3 बिलियन में 30 ड्रोन्स मिल रहे थे, तो उतने ही कॉस्ट में 18 ड्रोन्स का क्या मतलब बनता है? तो हमारे हिसाब से इस आर्टिकल में कुछ गलती है। तो अगर हम ये मान कर भी चलें कि पर यूनिट प्राइस यहाँ पर $100 मिलियन पड़ रहा है, तब भी ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एक MQ-9 के कॉस्ट में आप ऑलमोस्ट 2 LCA तेजस खरीद सकते हैं, और वो भी Mach 1A। तो इतना ज़्यादा पैसा पे करने का क्या मतलब है? तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि ये ड्रोन भले ही परचेज करने के लिए एक्सपेंसिव हो, क्योंकि खाली यहाँ पर ड्रोन का ही कॉस्ट नहीं होता है, यहाँ पर कमांड और कंट्रोल यूनिट भी इंक्लूडेड है, फिर इसके बाद सपोर्ट इक्विपमेंट भी इंक्लूडेड है, साथ में स्पेयर्स और मेंटेनेंस से रिलेटेड सामग्रियाँ भी इंक्लूडेड होती हैं, पर फिर भी ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पर चीज़ों को परचेजिंग कॉस्ट के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, इनका कंपेरेटिवली जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा कम होता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में इसके यूसेज को देखेंगे और उससे रिलेटेड कॉस्ट को देखेंगे, तो यहाँ पर आपको चीज़ें थोड़ी जस्टिफाइड दिखाई देंगी। MQ-9 एक काफ़ी ज़्यादा कैपेबल ड्रोन है, करीबन 2.5 टन का पेलोड कैरी कर सकता है, और ऑप्टिमम पेलोड के साथ 30 आवर्स तक का एंड्योरेंस दे सकता है। नए वर्जन जो हैं ये 40 आवर्स तक के एंड्योरेंस देते हैं, जिसके अंतर्गत ये आपको 11,000 किलोमीटर तक की मैक्सिमम रेंज देता है, यानी कि जो रेडियस ऑफ ऑपरेशन है ये ऑलमोस्ट 5500 किलोमीटर हो जाता है। बाकी जो ऑनबोर्ड सेंसर्स हैं, जिसमें MTS-B मल्टीस्पेक्ट्रल टारगेटिंग सिस्टम हो गया, उसके बाद ANPY-8 लिंक्स टू रेडार हो गया, ये अनमैच्ड सर्विलेंस कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ इसको एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत सोनोबेयर्स भी इससे डिप्लॉय किए जा सकते हैं। तो मैरीटाइम सर्विलेंस रोल में ये ड्रोन तो काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होते हैं, और इंडियन नेवी इनकी परफॉर्मेंस से एक्चुअली मोर देन सेटिस्फाइड है। और पिछले साल दिसंबर में ये रिपोर्ट आई थी कि इन दोनों ड्रोन ने 10,000 फ्लाइंग आवर्स कंप्लीट किए हैं इंडियन नेवी की सर्विस में, जो कि 2 साल में बहुत बड़ा नंबर है। इवन इंडिया चाइना के क्लैश के दौरान भी इन ड्रोन्स को इंडिया चाइना बॉर्डर के पास रेगुलर सर्विलेंस के लिए यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ एयरफोर्स और आर्मी के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होने वाले हैं, और आर्मी को अब नेवी के ड्रोन्स को मजबूरी में यूज़ नहीं करना पड़ेगा, एक बार इनको खुद के ड्रोन्स मिल जाए उसके बाद। तो जो नई डील है, इसके हिसाब से 6-6 ड्रोन्स तीनों आर्म फोर्सेस को मिलेंगे, और वो आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्पेसिफिकली मॉडिफाइड होंगे। साथ ही साथ News 9 द्वारा ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि एक और सेपरेट अग्रीमेंट होगा, जिसके अंतर्गत 800 करोड़ में 2 ड्रोन्स को और लीज पर लिया जाएगा, या फिर हो सकता है जो ड्रोन सर्विस में है उन्हीं के लीज पीरियड को बढ़ाया जाएगा। तो MQ-9 जो ड्रोन है, ये वैसे तो मेल कैटेगरी में आता है, यानी कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, पर इसकी परफॉर्मेंस जो है ये ऑलमोस्ट हेल कैटेगरी को टच करती है। ये ऑलमोस्ट 45,000 फीट की ऊंचाई पर फ्लाई करने में सक्षम है, और ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्रूज कर सकता है। बाकी कुछ लोगों के ये आर्ग्यूमेंट रहते हैं कि हम अपने रुस्तम ड्रोन्स को इनके जगह पर क्यों नहीं ले सकते, तो दोनों की कैटेगरी डिफरेंट है।
रुस्तम ड्रोन को आप MQ-1 ग्रे ईगल की कैटेगरी में डाल सकते हैं, पर MQ-9 आपका हैवी ड्रोन है और अनफॉर्चुनेटली इस कैटेगरी में हम किसी भी ड्रोन को नहीं बना रहे हैं। तो पर्सनली हमारे हिसाब से इसकी परचेज जस्टिफाइड है, क्योंकि चाइना के पास हेल UAVs हैं जो कि इंडिया के बॉर्डर के पास उन्होंने डिप्लॉय कर रखे हैं और ये एक्टिवली इंडियन बॉर्डर्स के काफ़ी क्लोज फ्लाई कर रहे हैं, तो इसके रिस्पॉन्स में हमें भी कुछ करना है, यहाँ पर हम बैठे नहीं रह सकते। हमारे हिसाब से ये चीज़ बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी, इतना लंबा इस चीज़ को नहीं खींचना था, पर देर आए दुरुस्त आए। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।